हेलो स्टूडेंट्स, सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय एचएलएस ग्रुप। तो नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो बच्चों, पाइथागोरस का 2.1 का मैथ पार्ट 2 का 6 क्वेश्चन हो गया था आज, बाकी जो बचे क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन वो आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करते। जो बच्चा इसमें था 9th वाला क्वेश्चन, 9th एंड 7th वाला, आप लोग एकदम मन लगा के करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th एंड 7th लिख लीजिए कहीं। सूरज सर ने बोला 9th एंड 7th क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक के वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बच्चा एक एक बच्चे के पास वीडियो भेजो, सबको शेयर करो, हर एक बच्चे को भी मैथ से प्यार हो जाना चाहिए। आई थिंक आपको होने भी लगा रहेगा, किस किस को प्यार हो गया है आप कमेंट में। बच्चों, आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपका जो मैथ पार्ट 1 मैथ पार्ट 2 कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, उसको आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बहुत लोग के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे अच्छे से एग्जाम जाना चाहिए, खूब मन लगा के पढ़ो, एज अ बोर्ड की तरफ प्रिपेयर करके जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि जो सेमेस्टर चल रहा है ये बोर्ड एग्जाम है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर, एक गिवन फिगर एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, कितना बेटा 90 डिग्री, एंगल डी एफ ए इज 90 डिग्री। अब बेटा एंगल डी एफ ई कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और एफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी ई, एफ जी जो है परपेंडिकुलर है डी। और क्या दिया बेटा, इफ जी डी इक्वल्स टू 8 एफ जी इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई जी एफ डी एंड ई एफ, ठीक है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा, इन द गिवन फिगर एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी ई, जी डी इक्वल्स टू 8 एफ जी इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई जी, ये वैल्यू, ठीक बेटा, एंड एफ डी दिस वन एंड ई एफ मतलब दिस वन, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन या गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखिए अच्छे से, क्या है इन ट्राइंगल डी एफ ई, इन ट्राइंगल डी एफ ई एंगल एफ इज 90 डिग्री, सो एफ राइट एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90, ओके बच्चों। चलो अब देखिए बेटा, यहां पर ये 90 डिग्री है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ है किस पे, हाइपोटेनियस पे। सर ज्योमेट्रिक भी नहीं आ रहा है बच्चा, इसको देखा नहीं, कुछ कुछ होने लगेगा, तो यहां पे इसको शो करना पड़ेगा ना, एफ जी इज परपेंडिकुलर। अब देखो सेगमेंट लिखो या मत लिखो, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट डी ई, राइट। और क्या दिया बेटा, वैल्यू दिया है, उसका वैल्यू भी लिख दीजिए, तो जी डी इक्वल्स टू 8 एंड एफ जी इक्वल्स टू 12, दिस इज अ गिवन, टू फाइंड लिखो या टू प्रूव, टू फाइंड लिखो, टू फाइंड क्या क्या करना है, टू प्रूव या टू फाइंड। पहला चीज तो ये जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकेंड वन एफ डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड वन इज ई एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। चल सॉल्यूशन, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, क्या बताया था बेटा, यदि राइट एंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू जो उसका सेगमेंट रहेगा, सेगमेंट जो हुआ रहेगा उसका प्रोडक्ट लेंगे, मतलब जी डी इंटू ई जी आ गया ई जी। चलो करते हैं, तो लिखना पड़ेगा ना इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल डी एफ ई, डी एफ ई अगेन आपको लिखना पड़ेगा डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री ना, और क्या परपेंडिकुलर भी दिखा दीजिए, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी ई,
तो बेटा क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके बेटा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आपको याद रहेगा बेटा, प्रीवियस जिन बच्चों ने डायरेक्टली ये वीडियो देखे हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वीडियो देखिए। यदि इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको हलवा लगेगा, आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा, ठीक है, 36-90 आएगा, 45-90 आएगा, तो ये सब आपको आराम से चिंता लगेगा, ठीक है। ओके तो क्या हो गया यहाँ पे, एफ जी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी इंटू ई जी, ये है ज्योमेट्रिक मीन। क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ना, तो क्या हो जाएगा जी डी इंटू ई जी। चलो अब देखो, वी हैव गिवन इन द वैल्यू ऑफ एफ जी, तो इंस्टेड ऑफ एफ जी वी हैव टू पुट व्हाट, 12, क्या पुट करना है 12, देयरफॉर 12 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डी, 8 इंटू ई जी। तो बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू 8 इंटू ई जी। अब बेटा इधर है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, therefore 144 upon 8 equals to eg, right बेटा। चलो डिवाइड कर दीजिए बेटा, यहां लिखिए डिवाइड, 8 वन जा 8, ठीक है, 8 वन जा 8, 6 बचा, इधर आया तो 64, 8 जा 64। अब जिस बच्चे को डायरेक्टली टेबल आता रहेगा 88 जा 144 वो डायरेक्टली कर सकता है, या तो एड्स कर, therefore eg equals to, आई होप आपको दिखता रहेगा, एजी इक्वल्स टू 18, राइट। अब बेटा ईजी का वैल्यू मिल गया, किसका मिल गया, ईजी का फर्स्ट वैल्यू अपने को मिल गया, एक वैल्यू मिल गया ईजी का। अब क्या फाइंड आउट करना बेटा, देखो फर्स्ट वन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, सेकंड क्या है एफ डी, बेटा एफ डी किधर है, देखो इधर है, इधर ये वाला वैल्यू बेटा, एक ट्रायंगल जो कि ये 90 डिग्री 90 होगा, ये ट्रायंगल है एफ जी डी, इसमें दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल 90, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दिया है, दूसरा एक साइड क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है, इफ टू साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन, सो वी कैन फाइंड थर्ड साइड ऑफ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड ऑफ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या लिखना बेटा, इन ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी डी, इन ट्राइंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इक्वल टू 90, एंगल एफ जी डी इक्वल टू 90, एंगल एफ जी डी इक्वल टू 90। अब बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 ये है जिसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस, तो इसका स्क्वायर ना तो यहां लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, देखो ये 90 है, 90 के सामने क्या है एफ डी, तो बेटा क्या लिखेंगे, एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, तो क्या ले लो जी डी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, जी एफ नहीं बोल रहा हूं एफ जी, ठीक है, जी एफ नहीं रहा भाई, ठीक है, इधर क्या है एफ जी। चलो बेटा एफ जी का स्क्वायर, बेटा एफ डी का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर उसको वैसे ही लिख देंगे, देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी का वैल्यू क्या बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एफ जी कितना है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को आता है 64, 12 का स्क्वायर 144, बेटा ऐड कर दो, देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 नॉट 8, राइट, ऐसे ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 4 8 होता है बेटा, और 6 एंड 4 10 होगा, देखो 4 प्लस 4 8, 4 और 6 10 कैरी 1, 1 1 2, 2 नॉट 8, इतना समझा बच्चों। चल बेटा इधर देखिए एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटेगा बेटा तो यहां पे क्या आएगा अंडर रूट, क्या आएगा अंडर रूट, क्या आएगा बेटा अंडर रूट। अब बच्चों बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, सर यहां प्लस माइनस क्यों नहीं आता,
याद रखो बच्चा, ज्योमेट्री में प्लस माइनस नहीं आएगा, एलजेब्रा में प्लस माइनस आएगा। क्यों सर? ज्योमेट्री में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वो लेंथ से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, एरिया से रिलेटेड होता है, पेरीमीटर से रिलेटेड होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और ये सारी चीजें निगेटिव नहीं होती, ये सारी चीजें निगेटिव नहीं होती। देयरफॉर यहां पे प्लस माइनस नहीं आता, मान ली प्लस कुछ नहीं है तो प्लस ही है। अब देखो बेटा यहां पे 208, अब इसका आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना है। सोचो सर हमको नहीं आता, तो अभी आप लोग 8 वाला मेथड देखे हैं, कैसे देखे? 208 को लिख लीजिए, 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट कर दो, फिर अगेन 2 से कट हो रहा है 2 से कट कर दो, अगेन 2 से कट हो रहा है 2 से कट कर दो, अगेन 2 से कट हो रहा है 2 से कट कर दो, अभी 13 बचा तो 13 से कट होगा। ठीक है, तो पेयर पेयर निकाल देते बेटा, दो दो का पेयर निकाल देते। ठीक है, दो मिल के एक दो बाहर आएगा, दो मिल के एक दो बाहर आएगा, मतलब बाहर आएगा 2 × 2 क्या आएगा? 2 × 2। आर यू कैन राइट 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 30। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 × 30। आप इसको ऐसे कर सकते हैं रविजी। ठीक है, 16 × 30, अब 16 बाहर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 4√30। तो एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? अंडर रूट, देखो 4√30। देखो ऐसा निकाल राइट। अब देखो बेटा एफ डी मिल गया, क्या मिल गया? ये देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है एफ जी ई, ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो दो साइड दिया है, थर्ड साइड निकालेंगे, तो क्या लिखना है बेटा? इन ट्रायंगल एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 90, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 90। तो बेटा दो साइड दिया है बाय पाइथागोरस, वी कैन फाइंड थर्ड साइड, तो लिखना है बाय पीटी, पीटी मतलब क्या? पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी, बाय पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम राइट। अब देखो बेटा ये 90 है, इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, तो ई एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर, तो एफ जी का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर। बेटा एफ जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जी? एफ जी कितना है बेटा? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ई जी कितना मिला है? 18 मिला है, 18 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144। देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का स्क्वायर 324, ऐड कर दो 4 + 4 = 8 होगा, 2 + 4 = 6 होगा, और 3 + 1 = 4 = 468। देयरफॉर EF स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा? अंडर रूट। देयरफॉर EF इक्वल्स टू अंडर रूट 468। अब बेटा यहां से अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, चलो वही सेम मेथड 468। देखो बेटा 2 से कट हो रहा है राइट, 2 × 2 = 2, 3 × 2 = 4, आगे 2 से 1 × 1 = 7, किससे कट हो रहा है? 3 से, 3 से हो रहा है, हां 3 × 3 = 9, 3 × 9 अगेन 3 से 13, तो देखो 13 तो है। अब देखो 1 × 2 मिलके 1 × 2 बाहर आएगा, सॉरी 2 × 2 मिलके 1 × 2 बाहर आएगा, एंड 2 × 3 मिलके 1 × 3 बाहर आएगा राइट। पेयर बनाते हैं तो 2 × 3 = 6 अंडर रूट 30, जो अकेला है वो अंडर रूट में आएगा। तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेटा यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 30। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर इसका बनता रहेगा 36 × 30। तो इतना तो आया 36, इसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो देयरफॉर EF इक्वल्स टू 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, और अंडर रूट में 13 बचा है, दिस विल बिकम योर आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन जो है 8th one बहुत आसान है, बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर राइट बेटा। तो चलो मैंने रेक्टेंगल बना लिया, नेमिंग कर दिया, देखो ये इसका डायगोनल, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब देखो ईच एंगल ऑफ डायगोनल कितना होता है? 90 डिग्री।
तो देखो अब यहाँ एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ए सी कितना है उसका डायगोनल, क्या है डायगोनल। तो देखो यहां क्या लिखा होता है, ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब क्या लिखना है बेटा, सेगमेंट सी ए इज ऑन डायगोनल, बता दिया डायगोनल, बता दिया क्या है डायगोनल है, दिखाई भी दे रहा है, बताने जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल क्या है वो हाइपोटेन्यूज दो साइड है, जैसा साइड मिल जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जैसा, ठीक है। अब क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, चलो तो बाय पी टी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा बेटा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 90 डिग्री की जो सामने होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस क्या होता है, इसका सब साइड अपोजिट टू, देखो स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, ठीक है, अदर साइड के स्क्वायर के सम के, तो देखो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम। चलो तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बेटा ए बी का स्क्वायर क्या है 12 और बी सी का स्क्वायर क्या दिया 35। अब स्क्वायर आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सूरज सर ने वीडियो अपलोड किया है, लाइन मारो स्क्वायर निकालो, आपके लिए अपलोड किया हो, जाके देखो लाइन मारो और स्क्वायर निकालो, लाइन मारने भी आ जाएगा स्क्वायर निकालने भी आ जाएगा, नहीं लाइन कौन सा लाइन ड्रॉ करने वाले, ठीक है, बाकी और लाइन नहीं ना। चलो 12 का स्क्वायर 144, चलो इसका कितना हो जाएगा 12 to 5, आगे देखिए ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1369, कैसे सर 5 4 9 2 4 6 2 1 3 और 1 1 3 6 9। चलिए ए सी का स्क्वायर, अब इधर जब स्क्वायर आएगा बेटा तो उधर क्या आएगा अंडर रूट आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 1369, किसका स्क्वायर है 37 का स्क्वायर। सर कैसे पता, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 3 का स्क्वायर 9, और देखो 7 2 जा 7 3 का कितना 21, 21 2 जा कितना होता 42, तो इधर से 9 इधर 46 इधर 30 वो इधर गया ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये स्टाइल, ठीक है सूरज सर। अब सीखना है तो वीडियो देखो, पीछे वाला वीडियो देखो, लाइन मारो स्क्वायर निकालो सब आ जाए, ठीक है एसी में, तो एसी क्या है डायगोनल, देयरफॉर length of diagonal is 37 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 37। चलो बेटा देख लो इसक्रीन शॉट लीजिए बराबर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया है, जरूर ये वीडियो को हर एक बच्चे पर पहुंचाओ, ये बोर्ड में आने वाला है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, और इसके बाद हलवा बराबर है, हलवा आज क्वेश्चन हलवा लगने लगे आपको। क्या दिया है, इन फिगर पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, बेटा मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब जितना आर एम होगा उतना एम क्यू होगा, जितना आर एम होगा उतना क्या होगा एम क्यू होगा, राइट। चलो अब आगे क्या बोला है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूफ दैट, देन प्रूफ दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 PM² माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। चलो गिवन देखते बेटा, गिवन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, पी आर क्यू कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू, या आन लिख सकते हो, ठीक, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है,
तो प्रूव क्या करना है, प्रूव वहां मैंने लिख दिया, देखो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PR स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, ठीक है। तो भाई डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है। आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, प्रूफ लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, आदर यू कैन राइट प्रूफ या सॉल्यूशन, इट इज अप टू यू, यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। ओके चलो बेटा देखो, अपने को पी क्यू का स्क्वायर चाहिए। सर पी क्यू किधर है, इधर है, इधर मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा, तो आप इधर देखो पी आर क्यू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्या आएगा पी क्यू, पाइथागोरस का बेटा लगाने आ जाएगा, पाइथागोरस का अप्लाई कर दे। चल अब पीएम, पीएम छोटे वाले ट्राइंगल में किधर आएगा, छोटे वाले ट्राइंगल में, ओके पी आर तो दोनों में है ना। चल तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेना, अब देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितना आर एम है उतना एम क्यू है, ये याद रखना है। चलो आगे इन ट्राइंगल पी आर एम क्या लिखना है, इन ट्राइंगल पी आर एम एंगल पी आर एम इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, फायदा कुछ लगा दे सकते हैं। चलो तो बाई पी टी लिख दो ऐसा, पी टी मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलो लगाओ बेटा पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा, पी आर एम पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर इन प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। बेटा पी एम और पी आर एक साथ है कि नहीं है, चलो इसको इधर लेके आओ, बोल जाओ अपने पार्टी की ओर। चलो तो साइन चेंज होगा, तो चलो इधर क्या हो जाएगा बेटा, देखो पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर एम का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी को ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, देयर फोर आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, फिर डब्बा है डब्बा अंतर का टिपी डब्बा, मैं दिस स्टेटमेंट नंबर वन, समझा इतना, हाँ सर इतना समझ गया, आगे भी समझेगा, हलवा है हलवा, ठीक है। इसको मत देखिए प्रूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो इसको इरेज कर दो, आगे देखिए, तो अब इन ट्रायंगल पी आर क्यू बिगर ट्रायंगल में आना, इसमें आना है बिगर ट्रायंगल, बहुत चिंती है भाई, मैं कहना हलवा है, सूरज सर ने बोला है ना 100 out of 100 आएगा, ठीक है। चल इन ट्राइंगल पी आर क्यू बिगर ट्रेंगल दिखाओ 90 डिग्री, पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, चलो लगाते बाई पी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, तो लिखो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब बेटा आर क्यू कैसे बना है, आर एम प्लस एम क्यू, सो वी कैन राइट, देखो बेटा पी आर का स्क्वायर प्लस इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, आर एम प्लस एम क्यू, ऐसे बनाए ना, इधर लिखना पड़ेगा आर टू एम एम टू क्यू, आर टू एम एम टू क्यू, एम देर को लिखते हैं, ठीक। देर फोर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, बेटा जितना आर एम होगा उतना एम क्यू होगा, वाई सिंस पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू, तो मिड पॉइंट क्या करता है, मम्मी होता है, मम्मी मम्मी का प्यार, दो बच्चे हैं दोनों बच्चे के लिए बराबर होता है, मिठाई आएगा तो दोनों को बराबर और बैठेगी मम्मी, तो मिड पॉइंट का मम्मी दोनों को इक्वल, हाँ दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट, जितना आर एम होगा उतना एम क्यू होगा, ठीक है। तो इन द प्लेस ऑफ एम क्यू राइट आर एम, या आर एम के प्लेस एम क्यू लिखो, तो हम लोग को आर एम चाहिए, क्या चाहिए आर एम, देखो इधर आर एम है ना, तो एम क्यू के प्लेस में क्या लिख देंगे, आर एम चाहिए तो यहां लिख दीजिए आर एम इक्वल्स टू एम क्यू, ठीक है। ये रीजन नहीं लिखना है, जिससे अच्छा रीजन क्या हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां लिख सकते हो सिंस पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू,
साइड आर क्यू, एक भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना, मार्क्स कहीं घटना नहीं चाहिए, हर एक चीज लिख के आना है। चलो देयरफॉर अब देखिए, देयरफॉर बेटा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एम कितना हो जाएगा बेटा टू आर एम का स्क्वायर। तो देयरफॉर बेटा देखो हम पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर और आर एम का स्क्वायर। बेटा इसको देख के कुछ कुछ होने लगा है, हाँ सब होने लगा है, क्या करे हाई कुछ कुछ होता है ना, नहीं इसको देख के इस इक्वेशन की याद आएगी, कुछ कुछ होने लगा है। देखो यहाँ पे होने लगा है आर आर एम स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो बेटा इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर इंस्टेड ऑफ आर एम स्क्वायर वी हैव टू राइट व्हाट पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इतना ही सर। हाँ जी हम देखे ना, चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे मोर देन वन टर्म था तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि जो फोर है पूरे आर एम के साथ है, तो आर एम का जो भी वैल्यू होगा सबके साथ होगा, सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देयर फोर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस फोर इंटू पी एम फोर पी एम का स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी आर तो फोर पी आर का स्क्वायर। और जैसे इसको देखेंगे कुछ कुछ होने लगेगा। चलो सर वन पी आर, पी आर मतलब क्या वन पी आर, मैं प्यार को नहीं बोल रहा हूँ बेटा पी आर प्यार नहीं पे आर वन पी आर माइनस फोर पी आर स्क्वायर वन पी आर स्क्वायर माइनस फोर पी आर। बेटा सिंपल सा वन माइनस फोर क्या होता है सर माइनस भी होता है, कैसे इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन, वी हैव टू राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर एंड सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। क्या बोला मैंने सर कुछ नहीं समझा, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट डिफरेंट है मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बिगर नंबर का साइन आएगा जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन आएगा और बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा तो साइन फोर का आएगा फिर माइनस और बड़े में छोटा माइनस तो क्या आएगा माइनस थ्री। और बस यहाँ पे पी आर है सर ये तो वन प्लस वन माइनस फोर का कर लिया नहीं तो उधर पी आर लगा दो कुछ भी जो इधर है वन पी आर का तो लिख दो वन पी आर स्क्वायर माइनस थ्री देखो माइनस फोर पी आर स्क्वायर। देखो कितना आसान है किसी बच्चों को नहीं आता सीख लीजिए माइनस थ्री पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर पी आर कितना तो समझा होगा। चलो देखो जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं डोंट वरी मैं एक बेसिक पे भी वीडियो डालने वाला बस आप लोग उसको अच्छे से देखिए और करिए। अब देखो क्या मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हैं ना। चलो देयरफॉर सर तो आ गया है देखो आ गया है फोर पी एम का स्क्वायर माइनस थ्री पी आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर यही बनता है क्या, तो क्या लिखेंगे वाई एम एच वाई एम एच ये लिखना नहीं है यही बनता है मैंने लिखा है ठीक है यही बनता है क्या बनता है यही बनता है। देखो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर स्क्वायर यही बनता है क्या, हाँ कौन मांगता है अभी तो भाई जो मांगता है उसको मांगता है ठीक है। चलो इसके साथ लो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने डायग्राम बना दिया है क्वेश्चन नंबर टेन ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इंपॉर्टेंट लाइक नाइन्थ। अब यहां पे क्या दिया है वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एक स्ट्रीट है रास्ता है और उसको दोनों साइड क्या है दो वॉल है ठीक है। अब आगे क्या दिया है लैडर अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट स्टॉप रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट अ हाइट 4 मीटर एट अ लैडर ओवर द अदर साइड स्टॉप रीचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर एट अ हाइट 4.2 मीटर देन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो यहां पे आपको बस लेट करना होगा क्या करना होगा लेट लेट द लेंथ ऑफ द लैडर इज बी 8.5.8 तो क्या लिखना है लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी 5.8 बहुत आसान ठीक है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
अब देखो यहां पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पीटी बाय पीटी। तो देखो बेटा यहां पे दो साइड है, थर्ड साइड निकल जाएगा। देखो 90 सामने क्या है, एसी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बेटा एसी का वैल्यू क्या है, 5.8। बेटा ए बी का वैल्यू क्या है, 4। बीसी फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 33.64 कैसे लिखा देख लीजिए, आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। 33.65 लाइन वाला स्क्वायर निकालो तो आपको आ जाएगा। देखो 5.8 का स्क्वायर होगा 33.64, ठीक है। आगे देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस बीसी स्क्वायर। बेटा इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 33.64 इक्वल्स टू माइनस, सॉरी इधर प्लस 16 आएगा तो माइनस 16 इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 64.30 - 6 = 7, 2 - 1 = 1, 17.64 इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर ना। देयरफॉर बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट 17.64। अब बेटा देखो ये एक्चुअली देखा जाए तो 42 का स्क्वायर, तो यहां पे दो डेसिमल बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4.2 का स्क्वायर, 4.2 हो जाएगा ना, 42 का स्क्वायर। तो बीसी इक्वल्स टू 4.2 मीटर, ठीक है। अब बीसी मिल गया 4.2 मीटर। सिमिलरली हम लोग सीडी फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ई डी सी में या सी डी ई में। अब सिमिलरली उधर जाएंगे, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पी टी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा, 90 का मतलब क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी कितना है, 5.8 का स्क्वायर, डी कितना है, 4.2, सी डी फाइंड आउट करना। बेटा 5.2 का स्क्वायर अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट, तो क्या है बच्चों, 33.64 ये कितना, 17.64 प्लस सी डी का स्क्वायर। बेटा इधर प्लस रहेगा तो माइनस, 33.64 माइनस 17.64 इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। माइनस करो बेटा कितना आएगा, 60, कितना आएगा, 60 सी डी स्क्वायर। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 60, तो बाहर निकला कितना आएगा बेटा, 4, सी डी इक्वल्स टू 4 मीटर। बच्चों सी डी मिल गया 4 मीटर, तो बेटा बी डी कितना होगा, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू कैसे बना है, बी सी प्लस सी डी, तो बी टू सी, सी टू डी। अब देखो बेटा बी सी कितना है, 4.2 मीटर, सी डी कितना है, 4 ना, तो मीटर आपके यहां नहीं लिखा है, तो 4.2 प्लस 4 बिकम व्हाट, 8.2 मीटर, बी डी इक्वल्स टू 8.2 मीटर। फिर डब्बा है डब्बा, अंकल का टिपी डब्बा, बट आंसर लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, देयर फोर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कर दिए, शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, और बच्चा गर्दा उड़ा दो गर्दा। और आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो हम बनाएं, आप उस टॉपिक को कमेंट में मैसेज करें, जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस
चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट करिए, सर इस चैप्टर पे बनाइए वीडियो, उस चैप्टर पे आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, हम यहाँ आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो चैप्टर आपको चाहिए, आप कमेंट में करके बताइए। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आपको समझ रहा है कि नहीं, वो भी कमेंट करके आप बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको। और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, फटाफट गर्दा वाला बच्चा, हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। अब किसी को भी मैथ में प्रॉब्लम लेना चाहिए, खासकर 2.1 एक क्वेश्चन आ गया, सूरज सर ने बोला है 7th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार देखो वीडियो और इसको सॉल्व करो। ओके, स्क्रीनशॉट लेके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।